जय हिंद। तो आज हमारा 15 अगस्त और आज के दिन हम सब लोगों ने अच्छे से मिलके 15 अगस्त को अच्छे से सेलिब्रेट किया, ठीक है, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करा। तो आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है, जैसे आज 15 अगस्त है, तो एक ऐप है टारगेट विद अंकित, वो जो अंकित सर हैं उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा सा चर्चा में था उनका, जो उन्होंने एक 15 अगस्त को शाम 6 बजे से उन्होंने कहा था कि एक टेस्ट आएगा जिसमें पहली प्राइज 51,000 रुपये, तो उसमें उन्होंने इनाम देने की बात की थी। तो मेन बात प्राइस की नहीं है, तो इतना चर्चा में था। तो मैं मॉक टेस्ट देने के चक्कर में नहीं था, मुझे बस ये था कि जब मेरा एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो उसके बाद मैं 3 से 4 मॉक ऑफलाइन बस दूंगा, उसके पहले मैं कोई टेस्ट देने वाला नहीं। लेकिन इतना चर्चा में था तो फिर लगा कि चलो एक 6 बजे से 2 घंटे की बात है, एक मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। तो उनका जो मॉक टेस्ट था, जिनके बारे में इतना यूट्यूब पर चर्चा था कि जिसमें इनाम के बारे में भी उन्होंने कहा था, और मुझे ये लगा जब लगाने से पहले कि उसमें क्या है कि वो एग्ज़ाम की तरह एकदम बनाएंगे, एकदम एग्ज़ाम की तरह बनाएंगे। तो मैंने भी उसका मॉक टेस्ट दे दिया, तो अभी मैं बताऊंगा कि उसमें मेरा कितना आया, मॉक टेस्ट कैसा था, एग्ज़ाम जैसा ही था कि बस उन्होंने बस कह दिया था, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बस उससे पहले मैं बता दूँ कि कल 16 तारीख को, 16 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ गया है सेंटर, किस तारीख को है और किस शिफ्ट में है। तो जब आपको शिफ्ट पता चल जाएगा 16 को 5 बजे शाम को शिफ्ट पता चलेगा, तो उसके बाद 17, 18, 19, 20 चार दिन है, तो हो सकता है 3 दिन या 4 दिन, जैसे 19 तक या 20 तक आपके करना एक मॉक टेस्ट ओमार के साथ लगाना अपनी अपने वाले शिफ्ट में। जैसे अगर आपका 3 से 5 है तो उस 3 से 5 लगातार 2 से 3 दिन प्रैक्टिस कर लेना, अगर 10 से 12 है तो 10 से 12 में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, UPG के रिविज़न करिए, करेंट स्टैटिक हिंदी में साहित्य व्याकरण एक एक बार रिविज़न कर लीजिए, अब ज़्यादा टाइम है नहीं। तो अब बात करूं कि जो आज का मॉक टेस्ट था वो क्या था, कैसा था। तो पहले तो मुझे लगा कि आज का मॉक टेस्ट ठीक रहा होगा, अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम बेस पे बनाऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम से कोई उसका लेना देना नहीं था जहां तक मुझे पता है, मतलब इतना टेस्ट देने के बाद बुरा मत मानना कोई भी, अगर कोई दे दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो मत देना, ज़्यादा अच्छा है, कोई मतलब नहीं है देने का, फालतू में आप डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि उसमें वो बहुत ऊपर लेवल का उन्होंने रखा है। और एग्ज़ाम में 5 ग्राफ पूछेगा, तो उन्होंने मैथ में केवल 1 ग्राफ पूछा है, वो भी 1 ग्राफ केवल पूछा है, मतलब। और GK में क्या है कि ना तो मानव अधिकार से प्रश्न था, ना तो GST से प्रश्न था, मतलब बहुत से ऐसे टॉपिक थे जिसको इन्होंने गायब कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, सब मिला जुला के मानसिक अभिरुचि 3 या 4 था, उसमें भी क्वेश्चन कम ही थे, ठीक है, रीजनिंग का मान लेते हैं, लेकिन मैथ में भी ग्राफ नहीं था, कुछ चीज़ें थी। कुल मिला जुला के बस ये कहूँगा कि ये जो टेस्ट था ये पेपर के जैसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि पेपर के जैसा बन गया था, ऐसा नहीं है। और वैसे भी पेपर में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक लेवल में होना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत अटपटांग था। आप लगाओगे, आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहोगे तो आप देखोगे, वैसे भी 8 बजे तक टाइम था, 8:30 बजे तक, तो शायद बाद में जब ये सबमिट हो, जब वो इसका रिजल्ट दें, तब देख लेना कैसा था पेपर, वो ऐसा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बस ये कह रहा हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मेरा कैसा था, एकदम ये पेपर से कोई लेना देना नहीं था इसका। तो मेरा इसमें 300 में से 224 आया है, 300 में से 224 आया है इसमें, इसमें भी 10 मिनट बच गया था, शायद 10 मिनट से पहले ही सबमिट हो गया था, मतलब सबमिट कर दिया था, 10 मिनट बच गया था। और इन्होंने कहा था कि ये अगर एक बार 20 पे से हटोगे तो ये वो हो जाएगा, रीअटेम्प्ट, मतलब सबमिट हो जाएगा। तो इतना डर था कि एग्ज़ाम वाला प्रेशर आ गया था, देते देते आसान आसान क्वेश्चन गलत हो रहा था, जहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहिए 4-5-20 वहाँ पे 4-5 कुछ और जो हो जा रहा था, मतलब एकदम एग्ज़ाम का प्रेशर वो हो गया था। मैंने फील किया कि ये मुझसे क्या हो रहा है, एग्ज़ाम का प्रेशर अपने आप आ रहा है। तो अच्छा था मैंने दिया, मेरा इससे फ़ायदा हुआ कि थोड़ा सा मुझे ये पता चल गया कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा रिलैक्स होना है, मैं प्रेशर ले लिया था थोड़ा सा ये टेस्ट लगाते हुए, नहीं तो आज तक कभी भी कितना भी कोई भी टेस्ट लगाया है, कोई भी मॉक दिया है, तो इतना प्रेशर नहीं लिया था जितना इसको ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा वो था कि, और मुझे फील भी हुआ कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ 2 घंटे, ये थोड़ा सा फ़ायदा था कि अब अपने आप को संभालना है, प्रेशर नहीं लेना है। तो रीजनिंग में मेरे 46 सही थे, GK में मेरे 27, हिंदी में मेरे 29 और मैथ में मेरे 16 सही हुए, क्योंकि एक मैथ तो मुझे दिख नहीं रहा था तो वो काट दूंगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, नहीं तो मैथ गलती होने लायक नहीं था। तो टोटल मिला जुला के मेरे 118 सही थे, बाकी काट पीट के मेरा 224 आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने बच्चों ने लगाया इसको, ये सब नहीं दिखा रहा है, बाकी सब चीज़ें दिखा रहा है।
तो अगर किसी ने नहीं लगाया तो मत लगाइएगा, कोई मतलब नहीं, ये पेपर जैसा नहीं था। मैं तो यही कहूँगा पेपर जैसा बिल्कुल नहीं था, एकदम कुछ भी था, बस ये था कि टफ था और कुछ भी था। ठीक है, अगर जिन्होंने लगाया वो लगाना, बाकी जिन्होंने नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल मॉक अपना रिजल्ट आने के बाद आप लोग अच्छे से ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो कल बात करते हैं जिस किसका कहाँ जाता है। ठीक है, तो बस यही आप लोगों से बताना था कि ये टेस्ट मैंने भी लगाया और ये मेरा पोजीशन रहा, ये मेरा स्कोर रहा, ये सब चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। ठीक है, तो बाकी अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, खुद को लो नहीं होने देना है कि नंबर कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिविज़न पर पूरा चाप के ध्यान दीजिए, बस खुद को भरोसा दिलाइए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, यही चीज़ हमें आगे ले जाएगा। तनाव नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, रिलैक्स रहना है।